इतना गहरा प्यार होता है उनका। नहीं वैसे मैंने भी किया है, मैं आपको बताऊं, यंग एज ऐसे केमिकल हार्मोन्स और केमिकल लोचास होते हैं, आई एम एक्सेप्टिंग, हम भी उससे अछूते नहीं थे इन योर एज, है ना। अच्छा somebody is राइटिंग, अच्छा लेकिन आई एम नॉट एक्सेप्टिंग, वो सही बात है, एक्सेप्ट मत करो बिना जाने पहचाने, वो सही बात है, एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। ये जो लड़के होते हैं ना एक नंबर के, वो उनके बिल्कुल भी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। पर अगर आपने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली, या आपका कोई स्कूल का दोस्त है या फिर ऐसा कुछ भी है, और फिर उसके बाद आप उसके साथ एक रिलेशनशिप में हो, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड व्हाटएवर, तो और ये डिस्ट्रैक्शन क्या है ना, शुरू शुरू में तो अच्छा लगता है लेकिन फिर बाद में समझ में आता है तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है। कैसे जा रहा है, लगे हुए हैं फोनों पे, मतलब लड़की तो फिर चाहती है कि ये कब मरेगा ये नहीं, लड़की तो फिर ये कहती है कब ये फ़ोन रखेगा, माथा खराब हो गया। लड़के तो इतने वो होते हैं कि फ़ोन रखना ही नहीं चाहते, मतलब उनको सुला लो तो वो अपने कान के नीचे फ़ोन रखेंगे, इतना गहरा प्यार होता है उनका। नहीं वैसे मैंने भी किया है, मैं आपको बताऊँ मेरे सीक्रेट।